हाय गाइस, हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जाएंगे लेक में, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का लेक। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, धूप निकल आई है। हाँ, और ठंड बहुत कम है, और इसलिए विदाउट जर्किन भी जाने का मज़ा अलग ही है। यस, और बादल भी नहीं है बिल्कुल, तो आसमान भी काफ़ी साफ है। बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा वहाँ जाके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखो, ये है पार्किंग का मशीन। तो यहाँ पे पैसे डालना है। देखो, अगर आपको एक घंटे के लिए रखना है इधर कार, इधर आसपास कहीं पे, तो आपको उसका देना पड़ेगा 1.5 यूरो, मतलब लगभग 150 रुपये। और इधर से पैसे डालना है और फिर टिकट निकालना है और अपने कार के शीशे के फ्रंट में रखना है। तो इधर उन्होंने टाइम भी प्रिंट करके आता है, आप कितने बजे टिकट ले रहे हो। अगर ये लीड टिकट नहीं होगा तो कार को फाइन लग जाती है। चुके हैं रिवर के साइड में, तो यहाँ से रिवर से आगे चलते चलते जाएंगे, तो वहाँ एक थोड़ा सा लेक है। और देखते हैं, अभी बोटिंग वगैरह भी शुरू हुआ होगा हॉबी स्पोर्ट्स के लिए, तो चलो देखते हैं कैसा होगा वो। ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट है छोटा सा। और यहाँ से आगे फुटपाथ पे लेके हम जा सकते हैं रिवर के साइड में। तो वो जो देख रहे हैं ना आप, वहाँ उसके बाजू है रिवर। ये देखो, ये साइकिल रोड, साइकिल से जाने के लिए। और यहाँ पे आके ये है चलने के लिए रोड, और ये रिवर। ये देखो, काफी लोग आ रहे हैं अभी रिवर में के बाजू में। एक पंछी भी यहाँ बैठा हुआ है। तो चलो इसी रास्ते पे चलते हैं सीधा सीधा और जाते हैं लेक की तरफ। ये देखो, यहाँ पे प्लेन आ रहा है। ये देखो, यहाँ पे स्टेप्स भी बनाए हैं उतरने के लिए नेचुरल तरीके से। और यहाँ पे बैठने के लिए ये है पानी रिवर। और आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा, जहाँ पे हमने दिखाया था कि रिवर जो इस्सा रिवर है वो डिवाइड होती है एक एक लाइन और एक ग्रॉस इस्सा में। तो अभी ये जो पॉइंट है आगे, आप साइकिल देख सकते हो, ये वाला पॉइंट, तो वहाँ पे जाके वहाँ से फिर आगे वो रिवर एक होके फिर से बहती है। तो इस साइड से जो आ रही है वो ग्रोसी सार है, जो हम यहाँ पे नज़दीक देख सकते हैं। और वो जो आगे पेट के उस साइड से जो आ रही है वो है क्लाइनी सार। और इन दोनों का मिलाप होके फिर वो आगे बह के दूसरे सिटी में जाती है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी अगर आप देख सकते हो उस साइड कि वो जो पार्किंग में गाड़ियां हैं, उस पॉइंट के वहाँ पे बोटिंग का भी सेक्शन है, जहाँ से आप बोट खरीद के ये सब व्यू एंजॉय कर सकते हो। अभी शायद स्टार्ट होगा, अभी तो मार्च है, तो एक दो महीने में वो बोटिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, या शायद स्टार्ट भी हुआ होगा। पर ऐसे कैंपेन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं
व्यू भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये है बैठने के लिए बनाया, और ये कैंप फायर है ताकि यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो व्यू आगे का। यहाँ आप देख सकते हो हमारे यहाँ जैसे गांव में रहता है वैसे ही एक हट बनाई गई है। चलो अंदर जाके देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अंदर आके भी। किसी को अगर अगर आके रहना हो, एंजॉय करना हो तो वो कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये बनाया है लकड़ों से। वहां दिखाती हूँ मैं सौरभ क्या कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यहाँ पे बिजली जनरेट होती है। और यहाँ पे और आगे जाके हमको मिलेगा बेक में हमारा लेक। यस, ये भी काफी अच्छा प्लेस है फोटो सेशन के लिए। ये देखो पीछे काफी सुंदर नजर आ रहा है, ये रोड है चलने का। हाँ, और विंटर में ठंड इतनी होती है कि आदमी बाहर ज़्यादा घर से नहीं रह सकता, तो अब समर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत लोग हैं जो साइकिलिंग के लिए निकल रहे हैं, हमारे जैसे जो वॉकिंग के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बैठने के लिए, जैसा कि आपको दिखाया, कैंपिंग के लिए प्लेस है। फिर यहाँ पे बेंचेस भी है बैठने के लिए, और अच्छा ट्रैक भी है, और रिवर भी साफ है। वो देखो वहाँ पे अभी एक बोट जा रही है। यहाँ पे ये है। ये देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे ये बोटिंग कर रहे हैं। समर्स में बहुत सारे लोग बोटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे, बोटिंग बोट को रेंट पे लेके ड्राइव करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है बोट पार्क किए हैं, बोट्स बहुत सारे यहाँ पे इस लाइन में भी, और नदी के उस साइड भी बहुत सारे हैं। तो ये स्टेप्स बनाए जाते उतरने के लिए बोट में। यहाँ पे नंबर लिखा है बोट का, क्या है कैसा है। एक होटल भी है, अभी स्टार्ट होगा, उस साइड भी हुआ, वो तो स्टार्ट हो चुका है। तो ये इतना बड़ा है, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? ये देखो ये रिवर है, और इधर थोड़ा सा लेक जैसा क्रिएट हो चुका है। एकदम खुला आसमान और ये नदी, काफी अविस्मरणीय अनुभव है ये। यहाँ पे देख सकते हो एक होटल है,
यहाँ पे बैठने के लिए रखा हुआ है, स्टेयर केस है। ये देखो, ये है दूसरा लेक जो क्रिएट हो चुका है नदी के वजह से। तो यहाँ पे पूरा साल भर यहाँ पे पानी रहता है। आप देख सकते हो ये जो है, ये पत्थर का रोड है। यहाँ उस साइड जो बह रहा है वो पूरी नदी है, रिवर है, इसा रिवर जो हमने देखी थी। और इस साइड उसके जो भी ये क्रिएट हुआ है वो लेक क्रिएट हो चुका है। वो जो झाड़ वहाँ पे पेड़ है उसकी वजह से। और अगर आप वहाँ उस साइड देख सकते हो तो वहाँ पे दूसरा, तीसरा लेक बोल सकते हो या दूसरा, वो क्रिएट हो चुका है इसी तरह से। तो यहाँ पे दो लेक है जो कि रिवर के साइड में क्रिएट हुए हैं, और उस साइड से जो है वो रिवर बह रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टॉप पे, अब जाएंगे बस से घर। तो कैसी लगी प्लेस ये ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग में अगले हफ्ते नई जगह पे। तब तक के लिए बाय।